सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanakya.com पे। आज दोस्तों बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, यानी अगर हम बाज़ार में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं लेकिन कहाँ निवेश करें। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है और इसके बारे में जितना ज़्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे ये उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूज कर देता है। यानी जहाँ से आप चले थे, जिस कन्फ्यूज़न से आप चले थे, वही कन्फ्यूज़न लास्ट टाइम तक बनी रहती है। तो इसलिए हमने लास्ट में यहाँ लगाया क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया तो कि ये अभी कन्फ्यूज़न है और ये वीडियो ओवर करते करते शायद आपको इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत अच्छे से दे सके। तो बेसिकली दोस्तों, जो आम निवेशक है जिसको बाज़ार के बारे में नहीं पता कि बाज़ार कैसे काम करता है, स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, स्टडी उसने करी नहीं है, आम निवेशक क्या हो सकता है, या तो नौकरी पेशा हो सकता है या बिजनेस पेशा हो सकता है, तो वो क्या करता है, सुबह या तो अपनी नौकरी पे जाएगा या सुबह अपने बिजनेस को संभालेगा और शाम को आकर के घर आकर के वो जो है सो जाएगा। यानी उसका जो डेली का शेड्यूल है यही है कि काम पे जाओ घर आ जाओ, काम पे जाओ घर आ जाओ। तीसरा, उसके पास टाइम नहीं है कि वो स्टडी कर सके, या स्टडी करके भी ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ज़्यादा रिटर्न ले सके जितना दूसरे एक्सपर्ट ले सकते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी स्टडी करने में। यानी मेनली पर्पज़ क्या है कि एक आम निवेशक मार्केट के अंदर से कैसे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चुने और कैसे अपने गोल को अचीव करे लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, जो लोग चुन भी लेते हैं, मान लेते हैं किसी भाई ने चुन लिया, किसी म्यूचुअल फंड को चुन लिया, किसी और चीज़ को चुन लिया, और वो सोच रहा है कि 10 साल बाद ये इतना हो जाएगा, 20 साल बाद इतना हो जाएगा, 30 साल बाद इतना हो जाएगा, तो क्या गारंटी है कि वो हो जाएगा? और अगर वो नहीं हुआ तो वो तो 30 साल की मेहनत, 40 साल की मेहनत बेकार चलेगी। तो एक ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हमारी इक्विटी मार्केट, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, कि वो क्या होना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, और दो ऑप्शन कौन कौन से हैं उनमें एक एक करके बात करेंगे। पहला दोस्तों ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का, एक हमारे पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहला दोस्तों जो ऑप्शन है, अब जो निवेशक है जिसको पता नहीं, तो ये होता क्या है, ये MF क्या होता है इसके बारे में छोटा सा हम बता देते हैं। ये एक MF मतलब ये है कि एक एक्सपर्ट है और उस एक्सपर्ट ने क्या करा, आपको बोला, आप जैसे बहुत सारे, हम जैसे बहुत सारे क्या करा, जो निवेशक है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं उनको इकट्ठा करा, उनको बोला जी आप सभी जो है पैसा मुझे दे दीजिए, मुझे मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, मैंने बहुत स्टडी करी है, और मैं आपके बिहाफ पर मार्केट के अंदर पैसा लगाऊंगा, मुझे अपना थोड़ा सा जो एक्सपेंस रेशियो है और जो मेरा थोड़ा सा कमीशन है वो आप सारे दे दीजिएगा, और मार्केट से जो आप पैसा कमाएंगे वह आप सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड यही चीज़ है जिसको हम फंड भी कह देते हैं। तो ये क्या करता है, एक एक्सपर्ट वहाँ बैठा है, वो आपके पैसे को मार्केट में लगा रहा है अपने हिसाब से, जो उसकी समझ है, स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है, और सेलेक्ट करने के बाद वो कोशिश करता है कि जो हमारा निफ्टी 50 है या सेंसेक्स 30 है, जो हमारी मार्केट को बताता है कि कितना बढ़ा कितना गिरा, मार्केट का प्रतिबिंब यही है, तो उसको बीट करने की कोशिश करता है। बीट करने का यानी वो कोशिश करता है कि निफ्टी 50 जितना रिटर्न देता है, एवरेज रिटर्न देता है, उससे ज़्यादा वो रिटर्न दे पाए। यानी अगर वो उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, पर इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट निफ्टी 50 में या सेंसेक्स 30 में इन्वेस्ट कर दें, राइट? तो यहाँ दोस्तों बात हो रही है कि फंड वाले को हम क्यों चुन रहे हैं। हम फंड वाले को इसलिए चुन रहे हैं कि मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न हमें मिले। चलिए ठीक है, हमने ये समझ लिया कि जो हमारा MF है ये हमारे लिए बेहतर है, जो म्यूचुअल फंड है ये हमारे लिए बेटर है, और ये हमें ज़्यादा रिटर्न देने के लिए कैपेबल है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं, 10 साल 20 साल 30 साल के लिए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ बात हो रही है 10 साल मिनिमम, मैक्सिमम जितना भी मर्जी ले जाओ, उसे कम वालों के लिए शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात है, आपके लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ दोस्तों जो लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर बात हो रही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो गोल अचीव होना ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर हम 10 साल 20 साल किसी चीज़ को सोच के चल रहे हैं, वो गोल कंप्लीट नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम है।
तो यहाँ दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि चलिए एक फ़ंड मैनेजर की हमें ज़रूरत है और फ़ंड मैनेजर ही है जो है हमें अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2017 तक जो मैंने इंटरनेट के ऊपर डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग 2700 फंड इंडिया में अवेलेबल है। अभी बात हो रही है 2019 में, तो अप्रोक्स 5 से 6 हज़ार आपको ऐसे MF यानी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। दूसरा, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जो स्टॉक्स है वो 5 हज़ार या 5,500 के अप्रोक्स अवेलेबल है। तो यानी थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसमें डिबेट मत कीजिएगा, लेकिन सिचुएशन तो वही वापस आके क्रिएट हो गई कि जो सिलेक्शन स्टॉक में करना था वही सिलेक्शन आप फंड में कैसे करें। भाई क्या गारंटी है जिस फंड को आप पैसा दे रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे जाएगा? क्या गारंटी है कि वो मार्केट से ज़्यादा ही रिटर्न देगा? क्या गारंटी है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा? और क्या गारंटी है कि वो मार्केट जो आपके गोल है उसको ख़राब नहीं कर सकता? आपने जो सोचा था वो नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे हम तो जी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे, क्या हम तो पुरानी हिस्ट्री देख लेंगे कि फ़ंड वाले ने जो हिस्ट्री है उसकी कैसी रही है? अगर उसकी हिस्ट्री अच्छी रही है तो आगे भी वो अच्छा ही करेगा। आप एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप पुराना रिकॉर्ड देखिए, पुराने रिकॉर्ड में देखिए 2016 में कौन सा बेस्ट था, 2017 में कौन सा बेस्ट है, 2018 में कौन सा बेस्ट है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एवरी ईयर आपको जो डाटा है वो अलग मिलेंगे। यानी 2016 में किसी ने बेस्ट करा होगा, 2017 में, 2018 में, 2019 में, और हर टाइम एक अलग कंपनी, अलग नाम, अलग फंड बेस्ट कर रहा है, यानी उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया होगा। तो ये तो सिलेक्ट करना मुश्किल है कि कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा, और हमें इन्वेस्ट में वही करना है जहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, सबसे ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। तो बेसिकली दोस्तों हमें क्या है कि म्यूचुअल फंड को चूज़ करने में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या क्रिएट होने वाली है। अब बाकी हमें बोला जाता है कि भैया mutualfund.com की वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें पता लग जाएगा, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। और डिस्क्लेमर में दिया हुआ है कि कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट के अकॉर्डिंग वो देगा या नहीं देगा, उससे कम देगा या उससे ज़्यादा देगा। तो प्रॉब्लम हमारी वहीं की वहीं क्रिएट हो गई। दूसरा हम बात करें, हमारे पास आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब ये है कि जो हमारे पास दूसरा तरीका है कि आप सीधा क्या करिए कि जो इंडेक्स है उसको खरीद लीजिए, जैसे कि Nifty 50, जैसे कि हमारा Sensex 30, या बीच में हमने कुछ ऐसे इंडेक्स की बात करी थी जो NSE ने लॉन्च करे हुए, जिसको स्ट्रेटेजी इंडेक्स कहते हैं, जिसमें था Nifty Value 20 और जिसमें था Nifty 200 Value 30। एक हमने बात करी थी Nifty Next की, जिसको हम Nifty Junior भी कहते हैं, यानी जो निफ्टी की अगली 50 कंपनी हैं वो उसके अंदर सम्मिलित है। इन सबके ऊपर एक एक वीडियो बनी हुई है, आप चाहे तो एक एक करके उसको देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का हम लिंक दे देंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी होगा जब वो सारी चीज़ों की आपको समझ हो। तो दूसरा हमारे पास तरीका है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या है कि कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न क्या नहीं है, हमें पता है कि जो Sensex 30 है वो Sensex 30 है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसका कोई स्पेशल मैनेजर भी नहीं है। वो जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है वो मार्केट की स्ट्रेटजी है, यानी मार्केट बढ़ रही है तो वो उसको इंडिकेट कर रहा है। तो हमने डायरेक्ट क्या करा, हमने सेंसेक्स को खरीद लिया, 30 को दे खरीद लिया। और अगर हम देखें जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 16% तक अप्रोक्स CAGR आपको ये दे देता है Sensex 30। निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, 14 से लेकर के अप्रोक्स आपको 15% तक मिल सकता है डिविडेंड के साथ। ये डिविडेंड के साथ बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी मिलता है, उसको इंक्लूड करा हुआ है। तो अप्रोक्स जो है Nifty 50 में इतना मिल जाएगा, सेंसेक्स में लगाएंगे तो 16% के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। कन्फ्यूज़न ख़त्म। भाई कोई भाई ये कहता है जी मुझे तो 14-15% चाहिए और मेरा 20 साल का क्राइटेरिया है, 30 साल का क्राइटेरिया, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो कन्फ्यूज़न ख़त्म। सीधा आओ और इसके ETF को ख़रीद लीजिए। ETF कैसे ख़रीदना होता है उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं आप। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। अब बात कहती है नहीं जी मुझे तो ज़्यादा चाहिए, मैं तो ज़्यादा पैसा चाहता हूँ, और फ़ायदा क्या है अगर ये 15-16% मिले, मैं तो चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा मिले, 20% मिल जाए, 25% मिल जाए, मैं तो MF को चुनूंगा, मैं तो फंड वाले को चुनूंगा, और यहाँ मुझे उम्मीद है ज़्यादा लगाने की। तो
तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें जो है वो आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ जो है AUM, जिसको हम कहते हैं एसेट साइज, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी जो कंपनी को आप चूज़ कर रहे हैं आप उसमें देखिए कि कितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, यानी जितने ज़्यादा पैसे उसमें लगे हो उसी फंड को चुनिए। दूसरा, आप उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करिए, एक कंपनी मत चुनिए, कम से कम 5-6 फंड को चुनिए, ताकि एक फ़ंड अच्छा ना करे तो एटलीस्ट वो फ़ंड अच्छा कर जाए। 5-6 से ज़्यादा भी मत चुनिएगा, 5-6 से कम भी मत चुनिएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं करना है। 5-6 फंड चुनिए, एक लार्ज कैप चुन लीजिए, 1-2 स्मॉल कैप चुन लीजिए, 1-2 मीडियम कैप चुन लीजिए, 1-2 आप क्या कर सकते हैं आप मल्टी कैप चुन लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर लीजिए, लार्ज कैप वाले में ज़्यादा पैसे लगाइए, मीडियम वाले में थोड़े कम लगाइए, स्मॉल कैप में थोड़े और कम लगाइए। तो इस तरीके से आप इसमें डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। दूसरा बात आती है कि इंडेक्स फंड की, जहाँ हमने स्ट्रेटजी वालों की बात करी, स्ट्रेटजी वालों में क्या है कि एक हमारे पास इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं NV20, यानी निफ्टी के वैल्यू 20 स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक जो निफ्टी 50 के हैं और उसमें से कुछ वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग के लिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कुछ 20 स्टॉक सेलेक्ट करे हुए हैं, वो अप्रोक्स 18% का जो है CAGR देते हुए आ रहे हैं पिछले कितने सालों से, 9-10 साल का जो डाटा अवेलेबल है। और ऐसे ही हमारे पास NV निफ्टी 200 करके 30 वैल्यू का एक इंडेक्स है, वो भी क्या है, वो भी इतना ही अप्रोक्स देता हुआ आ रहा है, 18-20% के अप्रोक्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपके सामने कन्फ्यूज़न है कि किसको चुने, भाई हम निफ्टी में लगाए, हम सेंसेक्स में लगाए, हम NV20 में लगाए, हमने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जो जो आपको पसंद है 5-6 मैक्सिमम चुन लीजिए इंडेक्स, 5-6 इंडेक्स मैक्सिमम चुन लीजिए, लार्ज कैप में अपना 50% पैसा लगा लीजिए, उसके बाद जो मीडियम जो बाकी आपका पैसा बचा 50%, उसको डिवाइड करके डाइवर्सिफाइड करके ये जितने भी इंडेक्स आपको पसंद आए, मान लीजिए NV20 पसंद आया, NV200 पसंद आया, और आपको बैंक निफ्टी पसंद आया, तो आप पैसा डिवाइड करके इनमें लगा लीजिए, नहीं डाइवर्सिफाइड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि इनमें से कोई ख़राब करेगा कोई अच्छा करेगा, लेकिन ऑन एवरेज आ जाएगी, ऑन एवरेज में आप क्या रहेंगे कि आपका एटलीस्ट जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। दूसरा, जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप हमेशा जो है सेफ रहता है। देखिए, ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, कंपाउंडिंग चाहिए, कंपाउंडिंग अगर रहेगी तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप चीज़ों को डाइवर्सिफाइड कर लीजिए, यानी कोई बेस्ट नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि कौन क्या करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, और डाइवर्सिफाइड करने से ये सिक्योरनेस हो जाती है कि 5 चुने थे, उन 5 में से बेशक वो अच्छा नहीं कर पाए, 5 अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन एवरेज तो कर पाएंगे, बेस्ट कोई भी नहीं है। आंसर यही है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है इक्विटी मार्केट में, कौन बेटर करेगा कोई नहीं जानता, जब रिजल्ट आएंगे तभी पता लगता है कि किसकी रैंकिंग क्या रही, पहले रैंकिंग जज करना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद है जो आपने जितने सारे क्वेश्चन हमसे पूछे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैसे करें कैसे ना करें, तो इस बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं अपने पैसे को, और जो गोल है मिनिमम 10 साल का होना चाहिए। अगर आप सोच रहे 2-3 साल में डाइवर्सिफाइड करके पैसा अर्न करेंगे तो वो एक लक वाली बात है, मार्केट चल गई, मार्केट ने काम कर दिया, मार्केट बुल हो गई एकदम तो पैसा बन जाएगा, मार्केट 5-5 साल 6-6 साल तक रुकी रहती है, कई बार काम नहीं करती है, तो उस बेसिस पे आपका पैसा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो है ज़िद्दी आदमी चाहिए, और बहुत ही ज़िद्दी आदमी चाहिए, वही पैसा बना पाता है। तो यानी एक ऐसा गोल रखिए जो आपको 20 साल में पूरा करना हो, 30 साल में पूरा करना हो, या रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, उम्मीद है कि इससे आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने में आपको मदद मिलेगी। और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।